स्वागत है आपका यूपी न्यूज लाइव 24 यूट्यूब चैनल पर। न्यूज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और अपना चेयरमैन बनाने का दावा किया था, लेकिन हाल ही में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रविंद्र मोल्लू ने दावा किया था कि वह बसपा से चेयरमैन की कुर्सी छीन लेंगे, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हुए और बसपा ने सपा विधायक नाहिद हसन से संपर्क कर जिला पंचायत सदस्यों के वोट मांगे, क्योंकि कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन के मामा वसीम चौधरी, चौधरी सलीम अख्तर, सुहेल प्रधान यह जिला पंचायत सदस्य हैं। इन्हीं के सहारे बसपा ने अब भाजपा को मात दी। वहीं बसपा को सपा के अन्य सदस्यों का भी समर्थन मिला और भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रविंद्र मोल्लू भाजपा के लिए अजीत पवार साबित हुए और इस हार से भाजपा के बड़े बड़े दावों की हवा निकल गई। भाजपा नेता मोल्लू दावा कर रहे थे कि तस्मीना बानो उनके सहयोग के बिना चेयरमैन नहीं रह सकती, लेकिन सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान, कैराना विधायक चौधरी नाहिद हसन, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, माजिद अली गाड़ा और नरेश गौतम ने इस पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोल्लू को मात दी और इस जीत में समाजवादी पार्टी के कैराना विधायक नाहिद हसन किंग मेकर साबित हुए।